हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेश टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं जियोलाइट के बारे में। देखिए, जैसे हम लोग शरबत बनाते हैं और शरबत में हम लोग सबसे मेन उसका कंपोनेंट क्या होता है शरबत का, वो है आपका पानी। क्योंकि अगर बिना पानी के क्या आप नमक और शक्कर और नींबू से क्या शरबत बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। उसका मेन क्या है? पानी। जब तक आप उसमें नहीं मिलाओगे तब तक शरबत नहीं बन पाती। उसी प्रकार आपका तालाब भी एक प्रकार का बड़ा सा कटोरा है और उसमें बहुत सारा पानी है और उसमें बहुत सारे आयन्स भी हैं, जैसे शक्कर और नमक एक प्रकार के आयन्स हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड ये सब आयन्स उसमें उपस्थित होता है। उसी प्रकार आपके तालाब में पानी के साथ उसमें बहुत सारे मछली के जो पॉटी है वो मिला होता है, आपका जो खाने का वेस्टेज है वो मिला होता है, पेड़ पौधे जो सड़े गले हैं वो भी आपके तालाब में ही उपस्थित होता है। तो इन सभी से आपके सड़ने की वजह से तालाब में अमोनिया गैस बनता है और उसी अमोनिया गैस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जियोलाइट को तालाब में प्रयोग करते हैं। तो आखिर जियोलाइट कैसे काम करता है, जिससे आपका पानी के वाटर पैरामीटर्स, खासकर आपके ऑक्सीजन लेवल और अमोनिया लेवल को ये बहुत ही डाउन करती है और ऑक्सीजन लेवल को बहुत अच्छे से बढ़ाती है। देखिए, जैसे आपकी जियोलाइट है दोस्तों, वो उसमें धनात्मक आवेश होता है, आवेश, और जैसे आपका जो अमोनिया है वो गैस के फॉर्म में नहीं, वो आयन्स के फॉर्म में आपके पानी में घुली होती है और उसमें ऋणात्मक चार्ज उपस्थित होता है ना। जैसे ही हम लोग तालाब में, क्योंकि जियोलाइट एक प्रकार का नमक है, और जैसे ही हम लोग जियोलाइट को तालाब में डालते हैं दोस्तों, ये क्योंकि धनात्मक चार्ज है और आपके जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो गंदगी फैलाने वाले जो अमोनिया है, वो उससे अट्रैक्ट होती है और जियोलाइट से अमोनिया आयन से वो चिपक जाती है। और जो जियोलाइट है दोस्तों, वो उस अमोनिया की जगह सोडियम और क्लोराइड आयन को तालाब में छोड़ देती है, और जो आपके मछलियों के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसने क्या किया, जो गंदगी है, जो ऋणात्मक आवेश है, सभी को अपने साइड खींच करके अच्छा आवेश, मतलब सोडियम क्लोराइड ये सारे अच्छे आयन्स होते हैं, उसको ये पानी में छोड़ देते हैं, जिससे पानी बहुत ही साफ हो जाता है। जितने भी आपकी गंदगी है, चाहे वो मछली का वेस्टेज हो गया, चाहे आपने खाना डाला है जो बच गया है, उसके सड़ने से जो अमोनिया बना है वो कंट्रोल हो जाता है, जो नीचे में स्लज बना होता है, जो कीचड़ बना होता है, उससे भी अमोनिया गैस बनता है, उसको भी ये जो जियोलाइट है वो अच्छे से अपने में पकड़ लेती है, और जितने भी अमोनियम आयन हैं उसको ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है, और नाइट्रोजन फिर प्लांट की सहायता से उनको ऑब्जर्व करके, और आपके जब हम एरेटर चलाते हैं उससे भी सारे नाइट्रोजन हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो अल्टीमेटली अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जियोलाइट का प्रयोग करते हैं। और इससे फ़ायदा क्या है? सबसे बहुत महत्वपूर्ण फ़ायदा, ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा के रखती है। आपके अमोनिया जो बहुत ही हार्मफुल है, अगर अमोनिया गैस आपके तालाब में ज़्यादा बन रहा है तो आपकी मछलियाँ ऊपर में देखना गैस्पिंग करने आती हैं, वो वहाँ पर ऑक्सीजन लेने आती हैं। लेकिन अगर आप सही समय पर जियोलाइट को तालाब में डाल देते हैं तो ये जितने भी गंदगी है उसको सभी को ये निचोड़ करके उसमें अच्छे आयन्स छोड़ती है, मतलब सोडियम क्लोराइड आयन, और जितने भी कचरा फैलाने वाले जितने भी आयन्स हैं उन सभी को अपने साथ समेट करके उसको तालाब के बाहर निकाल देती है। अगर आप जियोलाइट का प्रयोग करेंगे तो आपकी मिट्टी, पानी और आपके वाटर पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे लेवल पर मेंटेन रहेंगे। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब जब आपके तालाब में अमोनिया लेवल बनता है तो पानी है उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ तालाब में एल्गल ब्लूम, जो हरापन है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप समय समय पर अमोनिया लेवल को चेक करते रहेंगे अमोनिया टेस्टिंग किट के द्वारा, तो आपको अचानक से ये सारे जो दिक्कतें हैं वो नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो इसी वजह से मैं यही सलाह आपको दूंगा कि समय समय पर आप अमोनिया लेवल को चेक करिए, और जैसे ही आपको ज़्यादा लगे तुरंत आप जियोलाइट को अच्छे से तालाब में डालिए। तालाब में जियोलाइट को प्रयोग करने का भी एक तरीका है। जियोलाइट को आप सबसे पहले जितना आप यूज़ कर रहे हैं उसको एक छेद वाला जो बोरी होता है,
जो आपके नारियल रस्सी से बनता है ना, जूट वाला जो बोरा रहता है उसमें उसको भर दीजिए, और जितना भी है उसको कम से कम 3-4 जगह आप पानी में अच्छे से लटका दीजिए। आपको डायरेक्ट जीव लाइट को नहीं छोड़ना है, उसको बोरा में भर करके आप उसको अपने तालाब में 3-4 जगह लटका दीजिए। पर एकड़ लगभग हम लोग 20 किलो जीव लाइट का प्रयोग है वो करते हैं। अगर अमोनिया ज़्यादा बढ़ गया है तो हम उसके डोज को बढ़ाते हैं, लेकिन एवरेज आपको मंथली एक बार कम से कम जीव लाइट को 20 किलो आप अपने तालाब में जरूर डालिए, ताकि अमोनिया लेवल अपने आप कंट्रोल में रहे, वाटर पैरामीटर्स अपने आप अच्छे रहें, साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल भी अच्छे से आपके तालाब में मेंटेन रहे। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप समय समय पर डालते रहेंगे तो आपको कभी भी मछली पालन में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से मेरा छोटा सा वीडियो है आपको समझाने के लिए। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा, तो जीव लाइट का ज़रूर प्रयोग करिए। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।